एमएम न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद नाज़िम। इस वक्त हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं डिफेंस फेज़ वन से। आप मेरे कमरे में देख सकते हैं मुस्तफ़ा मस्जिद है, जहां अब से कुछ देर कबल कुंवर नवीद जमील मरहूम का नमाज जनाजा अदा किया गया है। अगर हम बात कर लें नमाज जनाजे पर, तो गवर्नर सिंध भी मौजूद थे, इसके अलावा साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, उनके साथ साबिक वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह और दीगर जो एमकेएम के सियासी कायदीन हैं वो भी यहाँ पहुँचे हैं। इसके अलावा दीगर जमातों के सियासी जमातों के लोग भी यहाँ मौजूद थे। नमाज़ जनाजा अदा कर दी गई है, अब से कुछ देर बाद डिफेंस फेस 8 के कब्रिस्तान में जैसे खाकी को दफन किया जाएगा। अगर हम बात करें डिप्टी कन्वीनियर एमकेएम पाकिस्तान कुंवर नवीद जमील की, तो गुज़िश्ता साल उनकी तबीयत ख़राब हुई थी। हमने देखा कि वो सिंध असम्बली के इजलास में उनकी तबीयत हालत नाजुक हुई थी, जिसके बाद उनको अस्पताल पहुँचाया गया था। अस्पताल पहुँचाने के बाद उनको पता चला कि ब्रेन हेमरेज हो गया, जिसके बाद वो उनको डॉक्टर्स की जानिब से बेड रेस्ट का कह दिया गया था। अब ताज़ा सूरत हाल मनाजर हम आपको ये दिखा रहे हैं। गुज़िश्ता रात उनकी जो है वो तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई थी, जिसके बाद उनको अस्पताल एडमिट किया गया था, लेकिन वहाँ वो खालिक़े हकीकी से जा मिले हैं। और कल रात को ये अफसोसनाक खबर आई थी। अगर मेरा कैमरा मैन दिखाए ताज़ा मनाजर हैं इस वक्त, ये देख सकते हैं आप तकरीबन मुख्तलिफ जमातों के कायदीन भी पहुँचे हुए हैं। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के साबिक वज़ीर आला सिंध फारूक सत्तार, कामरान खान टिसोरी आप देख सकते हैं यहाँ मौजूद है। ये लाइव मनाजर हम आपको दिखा रहे हैं एमकेएम के रहनुमा फारूक सत्तार, उसके अलावा कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी और गवर्नर सिंह कामरान खान टिसोरी भी मौजूद है। इस वक्त ये ताज़ा मनाजर हम आपको दिखा रहे हैं। जिससे खाकी को लाया जा रहा है, जो कि डिफेंस फेस 8 में खालिद मकबूल सिद्दीकी भी यहाँ मौजूद हैं और इसके साथ कामरान टिसोरी भी मौजूद हैं। इनके अलावा फारूक सत्तार और दीगर कारकुनान भी एमकेएम के पाकिस्तान के मौजूद हैं। इसके अलावा दीगर सियासी जमातों के कारकुनान और अहदेदारान भी मौजूद हैं। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी यहाँ मौजूद थे, जिसने कहा कि कुंवर नवीद जमील साहब का लाया जा रहा है, जिसे डिफेंस फेस 8 में दफनाया जाएगा। शहर
तस्वीर मोकल व्हाट्सअप कराची के अवाम मौजूद है, देख सकते हैं युवा नवीद जमील साहब के जनाजे में आपसे कुछ देर बाद डिफेंस फेस एड कब्रिस्तान में जिसने खाकी को दफनाया जाएगा। अगर हम बात करें तो साबिक वजीर अला सिंह मुराद अली शाह भी मौजूद थे, इसके अलावा नासिर हुसैन शाह भी और गवर्नर सिंह भी इधर मौजूद थे। ताज़ा मनाजर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही, मुझे मेरे कैमरामैन आसिफ कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।